वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। आजकल शाहरुख खान की फिल्म पठान चर्चा में बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस फिल्म को बहुत अश्लीलता से फिल्माया गया है और उसके बेशरम रंग गाना में भगवा रंग की बिकनी दीपिका ने पहनकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिंदू समाज इसका विरोध करता है। उनका कहना है कि इस फिल्म को बैन किया जाए और ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसको लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन चल रहा है। आज मेरठ कमिश्नरी पर महानगर ललित गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ धरना देने पहुंचे और फिल्म इंडस्ट्री होश में आओ के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और फिल्म को बैन करने और तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। इस मामले में ललित गुप्ता ने यह जानकारी दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ललित गुप्ता, हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर संयोजक। ये पठान को लेकर जो हमारे भगवा कलर के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको हिंदू समाज उसकी निंदा करता है और किसी भी कीमत पे हम इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। इसका हमारा सरकार से निवेदन है कि इस फिल्म को बंद किया जाए। क्या फिल्म के अंदर ऐसा दृश्य जो है जिसके लिए विरोध लगातार चल रहा है? हमारा भगवा कलर को पहनने के बाद, भगवा कलर का जिसको हम बड़े सम्मान के साथ पूजते हैं, धारण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको नग्न अवस्था में पहना के दिखाया जाना, ये अपने आप में हिंदू समाज के अंदर बहुत भारी रोष है। और हिंदू समाज इसकी बोला गया है। और गाने के अंदर जो बेशरम वर्ड बोला गया कि इस कलर को पहनाने के बाद ये वर्ड बोले गए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। बहुत ज़्यादा हिंदू समाज के अंदर इसमें प्रति रोष है, लगातार आप देख रहे होंगे। किस तरह से आज अपना विरोध प्रदर्शन आपने किया? हमने शाहरुख खान का पुतला फूंक कर प्लस साथ में ज्ञापन हम डीएम साहब को देने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ और इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।